गाइस हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होली की तैयारियां तो सबकी जोरों शोरों से चल रही होंगी, मेरी भी चल रही हैं। और आज है वीकेंड, मैंने थोड़े पापड़ तो बना लिए हैं बट थोड़े अभी बाकी रह गए हैं। मैंने सोचा कुछ और वैरायटी के बना लेती हूँ क्योंकि इस बार मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं था। कभी बारिश हो जाती थी तो कभी धूप नहीं आती थी, इस वजह से लोगों के चिप्स पापड़ अभी भी बन रहे हैं। तो मैंने थोड़े पापड़ और चिप्स तो बना लिए, लेकिन आज मैं बना रही हूँ लहसुन वाले पापड़ आलू के, जो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ रेसिपी इसकी, क्योंकि अभी भी लोगों के चिप्स पापड़ बन रहे हैं घरों में। तो पहले तो वीकेंड की मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ प्याज की पकौड़ी। सबको पहले मैं नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। और मैंने आलू चढ़ा दिए एक तरफ, मैंने बड़ा कुकर नहीं निकाला, मैंने छोटे कुकर में ही दो बार में करके आलू उबाल लिए हैं। और ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ बनकर रेडी हैं, इसे मैं अभी अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ये आलू की पकौड़ियाँ, क्योंकि सबकी पसंद का ख्याल रखना होता है हमें। यही तो खासियत होती है होम मेकर की, वो हर रोल अच्छे से निभाती हैं और हर रोल में फिट हो जाती हैं। तो ये हैं चने जो आजकल हरे वाले मार्केट में खूब आ रहे हैं, तो मेरे नेबर दे गए थे हमें। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज आपकी छुट्टी है तो आप आज इसे निकाल दो, तो मैं इसकी सब्जी बना लूँगी, अदरवाइज़ ये ऐसे ही रख के रह जाते। क्योंकि मेरे पास इस समय काम बहुत ज़्यादा है, क्लीनिंग वगैरह का भी बहुत काम है। अब होली में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, नेक्स्ट वीकेंड पर छोटी होली है। और देखिए मेरे दोनों बच्चे भी कितने अच्छे से अपने पापा के साथ लगे हुए हैं। अगर आप भी एक अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उन्हें मोबाइल से दूर रखिए। वैसे भी आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं कि बच्चों के लिए मोबाइल बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। आप इसी तरह से उनके साथ इंजॉय करके उन्हें मोबाइल से दूर रख सकते हैं, मैं भी कुछ ऐसे ही करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मेरी बेटी को भी आलू छीलने के लिए बोल दिया जो उबल गए थे, साथ में उसकी फ्रेंड भी है जो आलू छील रही है। तो आलू के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू को उबाल लेना है और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है आपको आलूओं को। और इस तरह से उसे कद्दूकस में घिस लेना है, या तो आप उसे सिलवट पे भी पीस सकते हैं, बट ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। ऐसे भी आलू बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं और आपका टाइम भी सेव होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें लम्ब्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए आलू के पापड़ में, अच्छे से आपको इसे घिसना है। इसके बाद इसमें आपको घिसना है लहसुन। 2 किलो आलू मैंने उबाले थे जिसमें मैंने 15 से 20 कलियां लहसुन की ले ली हैं। तो लहसुन को आपको मिक्सी में नहीं पीसना है, आपको इस तरह कद्दूकस से छोटे वाले महीन वाली जाली से घिस लेना है। इसके बाद इसमें नमक ऐड करके इसे हाथों से अच्छी तरह से गूंथ लेना है, जिससे लहसुन और नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही साथ मैं खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि जब इतना सब करने के बाद मैं जब खाना बनाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। मैं बना रही हूँ आलू की चुटपुट वाली सब्जी, जो गांव में और बिहार में बहुत बनती है। बिना छिलका उतारे आपको बेबी पोटैटो, उसको 2 पार्ट्स में कट कर लेना है और आपको उसको मेथी के साथ छौंक देना है। इसमें डालना है आपको नमक, हल्दी, लाल मिर्च और हल्का सा गरम मसाला। और ये देखिए मेरी सब्जी बनकर रेडी है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है दाल चावल के साथ। एक तरफ मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि आए हुए हैं मेरे देवर तो उनके लिए मैं चाय भी बना रही हूँ। तो यही तो एक होम मेकर्स की कला होती है कि वो एक बार में एक साथ बहुत सारे काम कर सकती हैं। और मेरे जो आलू थे वो भी सेट हो गए हैं, तो मैं इसकी लोइयां बना ले रही हूँ। आप चम्मच से भी डायरेक्टली लगा लगा के पॉलीथीन पे पापड़ बना सकते हैं, बट अगर आप इसकी लोइयां बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे इस तरह छोटे छोटे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपके पापड़ बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। तो हाथों में आप रिफाइंड ऑयल लगाते जाइए, या कोई भी ऑयल जो आप खाते हैं वो आप लगाते जाइए, जरा लोइयाँ काटते जाइए। देखिए मेरी कितनी सारी लोइयाँ बनकर रेडी हैं, और ये करने के बाद मेरे पापड़ बहुत ईजिली बन के रेडी हो जाएंगे। मैं आ गई हूँ अपनी छत पर, जिसकी मैंने आज जुलाई मॉर्निंग में ही करी थी। मैं अपने पेड़ों की देखभाल भी खुद ही करती हूँ, इसका ब्लॉग भी मैं बनाऊँगी कभी, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पॉलीथीन बिछा दी थी, तो अब मैं फटाफट से सारे पापड़ बना लेती हूँ, टाइम भी काफ़ी हो रहा है। मेरे पास मशीन है बट मैं ऐसे बना रही हूँ क्योंकि मुझे अकेले ही बनाना है, मशीन में 2 लोग चाहिए होते हैं। और आपको सच बताऊँ तो ऐसे पापड़ बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं पापड़। और आपके सामने पे बना रही हूँ, आप देख रहे हैं, बस एक एक लोई में रखते जा रही हूँ और ऐसे दबाते जा रही हूँ प्लेट से, और ईजिली मेरे पापड़ जो है बनते जा रहे हैं। ये तरीका काफ़ी टाइम सेविंग भी है, क्योंकि मशीन में एक बार प्रेस करो, फिर उसे पॉलीथीन पर लाकर फैलाओ, और इससे डायरेक्टली सारे पापड़ आपके पॉलीथीन पर फैलते हुए जाते हैं। और देखिए मेरे पापड़ जो हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे बनकर रेडी हैं। और एक तरफ मैंने वो पापड़ भी फैला रखे हैं जो मैंने कल बनाए थे, ये इसमें मैंने काली मिर्च और लाल मिर्च कूट के डाला हुआ है। ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, थोड़े से तीखे होते हैं, इनको तीखा चटपटा ज़्यादा पसंद है वो ये वाले पापड़ बना सकते हैं। अभी मैं आपको इसे पास से भी दिखा दूँगी। तो अब मैं इसे धूप में ले जाके फैला देती हूँ, क्योंकि मैंने छाँव में बनाया था, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और ये देखिए मेरे गार्डन के फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं सारे के सारे, और पापड़ जो मैंने फैला दिए हैं, ये है मेरे पापड़ जो मैंने कल बनाए थे।
सुबह से काम करते करते थकान तो हो ही गई है, लेकिन मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ व्लॉगिंग के लिए कर रही हूँ, मैं हर साल बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। व्लॉगिंग तो मैं 6-7 महीने से ही कर रही हूँ, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ होली के लिए, नमकीन वगैरह, और मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। बट कभी कभी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो मैं शूट नहीं कर पाती, और ये मैं काटती हूँ सिरका प्याज, ये हमारे गांव का सिरका है और बहुत अच्छा है। गर्मियाँ आ रही हैं, आपको भी सिरका प्याज ज़रूर खाना चाहिए गर्मियों में। और ये देखिए चने जो मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने मिलकर छीले थे, रेडी हैं, कल मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और अब मैं फटाफट से खाना निकाल लेती हूँ क्योंकि सबको भूख भी बहुत लगी है, सुबह से सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, मेरे साथ सबने हेल्प कराई है। जब इसी तरह सब मिलजुल कर काम करते हैं परिवार के लोग, तो घर के काम कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अपने बच्चों के अंदर शुरू से ही आप आदत डालिए कि वो आपकी हेल्प करें, वरना बड़े होने पर वो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, बच्चे छोटे हैं वो भी समझते हैं कि अकेले मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती। तो मैं अब खाना निकालने जा रही हूँ, मेरी बेटी देखिए यहाँ आ गई है, मम्मा भूख लगी है, इसीलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी खाने की, अदरवाइज़ अभी तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता। तो आज मैंने बनाई है अरहर की दाल और आलू की सब्ज़ी जो मैंने आपको दिखाई थी, चुटकुले छिलके वाली, और सिरका प्याज जो गर्मियों में खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है ये, हेल्थ के लिए भी और पेट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और साथ में निकाली हूँ चटनी जो मैंने मॉर्निंग में पीसी थी पकौड़ियों के साथ, और रोटी और चावल मैंने बनाए हैं। ये है मेरा आज का लंच, कैसा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं ये मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ खाने के लिए, इसके बाद किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं भी खाना खाऊंगी। सुबह से काम करते करते थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई, और मेरे साथ तो होता है कि अगर मैंने एक बार खाना खा लिया है ना, तो उसके बाद मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता है, और थकान की वजह से आज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए मैं किचन पहले ही क्लीन कर ले रही हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाने बैठूँगी। मेरी बेटी कह रही मुझे भूख नहीं लगी, बस इसीलिए मैं उसे डांट रही हूँ। सिर्फ ये लोग चिप्स कुरकुरे खा के पूरा दिन बिता देते हैं और खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता इसके बाद। आज के मेरे इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग, मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी होली से रिलेटेड मैं और भी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी। आपका अप्रिसिएशन और आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए, तो अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, व्लॉग्स देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।